हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आई होप ऑल विल बी वेल। तो सब ठीक होंगे। तो लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर किया था, आई होप आपने उसकी वीडियो देख ली होगी। तो उसमें हमने किया था एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 13। और ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन नंबर 11 और 10 आई थिंक इस तरह क्वेश्चन किए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। उसने कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर, इसमें से कौन से सिंगुलर है, और विच ऑफ द फॉलोइंग आर विच ऑफ देम इज आर नॉन सिंगुलर, और इसमें से सिंगुलर और नॉन सिंगुलर कौन से हैं। तो सिंपली मैं सबसे पहले आपको कल भी लास्ट टाइम बताया था कि हमने जब ये लैम्डा की वैल्यू फाइंड की थी तो वहाँ पे हमने इक्वल टू जीरो रखा था। जो मैट्रिक्स जिसकी जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो के इक्वल आ जाए वो हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो सिंपली हम यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से लेके सॉल्व करते हैं। तो अगर वो सिंगुलर हुआ तो आपको पता चल जाएगा, अगर नॉन सिंगुलर हुआ तो तब भी पता चल जाएगा। तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12। तो 103 3 1 और -1 0 2 और 4। तो सिंपली आप ऐसे भी इसको कर सकते हो कि सीधी एक्सपेंडिंग कर लो, क्योंकि उसने कोई हमें यहाँ पे पॉसिबिलिटीज नहीं दी के आपने क्या करना है इसको एक वैल्यूज, ठीक है, यानी यहाँ तो उसने कहा कि एक्सपेंडिंग के बगैर करना है, तो हमने सीधा वैल्यूज इसकी ठीक है जीरो करनी थी। तो लेकिन ये है कि यहाँ पे उसने कुछ नहीं बताया, तो हम कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट को ले लिया, एक्सपेंड कर लिया एक्सपेंडिंग आर वन, तो ये आएगा 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, ठीक है, ठीक है 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो उसके बाद सेकेंडली है हमारे पास ये 0 हो जाएगा, और थर्ड है ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा, माइनस ये इसके साथ होगा तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास ठीक है ये 6 आ गया। तो उसके बाद हमारे पास है ठीक है ये प्लस इंटू 18, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस इंटू 18 आ गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये 6 हो गया, 6 1 6, और ये तो 0 हो गया, इसका माइनस है प्लस आ गया, प्लस हमारे पास 18 हो गया है। तो अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 24 इज नॉट इक्वल टू 0, सो नॉन सिंगुलर। तो ऐसे यानी किसी चीज की वैल्यू अगर इसका डिटरमिनेंट 0 आ जाता तो हम कहते हैं कि ये एक ठीक है सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सिंपली अगर वैल्यूज और भी कुछ आ जाए तो आपने चेक कर लेना है, ठीक है, अगर वो सिंगुलर हो या नॉन सिंगुलर हो, ठीक है। सिंपली हमारा यहाँ पे आंसर तो यह है। इसके बाद मैं इसका थर्ड पार्ट कर रहा हूँ, तो सेकंडली आपने सूदी से सॉल्व कर लेना है, सिंपल है, चाहे आप इसकी दो वैल्यूज को 0 कर लो, ठीक है। इसका सेकंड जो है R2, इसको आपने यूज करते हुए R1 को और R3 को 0 कर लेना है, ठीक है, माइनस करने के बाद कि आपने लिखना है R2 - 2R3, ठीक है R2, ठीक है R1 - 2R2। तो क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट वाला 0 हो जाएगा, ऐसे लास्ट वाले को भी आपने 0 कर लेना है जैसे आप पहले अप्लाई करते हैं इस पे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट हमारे पास है 1 2 -1 -3 2 3 1 2, और उसके बाद है जी हमारे पास यहाँ पे 3 -1 3 और 4। तो आप देख रहे हैं हम सिंपली वैसे ही सॉल्व करेंगे इसको जैसे पहले करते हैं। तो हम क्या करेंगे इस पे अप्लाई करेंगे कि यहाँ पे 0 हो जाए, कोई एक वैल्यू हमारे पास सिर्फ 1 हो, हम उस पे इस पे डायरेक्टली अप्लाई कर लें, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इस पे अप्लाई करूँ तो आप देख रहे हैं क्या आएगा हमारे पास, मैं इसको रहने देता हूँ। तो क्या करता हूँ यहाँ पे सी ठीक है C1 या C2 C2 -2 C1 C3 -2 C1 C4 + C1। तो आप देखेंगे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी और ये भी, ये जो ये पहले वाला नहीं, इसको हमने यूज किया है, ठीक है,
ये जीरो होंगे जहां जिसको हमने माइनस किया है, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा और यहाँ पे वन रहेगा। तो आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे इन दोनों को माइनस किया तो इसको माइनस करेंगे तो माइनस वन आ जाएगा, यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। प्लस वन सी टू माइनस सी वन, ऐसे इसको करेंगे माइनस करेंगे तो ठीक है हमारे पास वन आ जाएगा, इसको करेंगे तो माइनस वन और माइनस थ्री माइनस फोर हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे करेंगे तो आप देख रहे हैं इसमें से माइनस होगा, तो ठीक है यहाँ पे माइनस इंटू माइनस माइनस टू आ जाएगा, माइनस वन और माइनस टू, आई थिंक इसको टू से मल्टीप्लाई करना था, ये देखिए आप टू से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस वन इंटू माइनस टू तो क्या हो जाएगा माइनस थ्री हो जाएगा, ऐसे ही ये फोर हो जाएगा, वन माइनस किया तो माइनस थ्री आ जाएगा, ऐसे ही थ्री माइनस सिक्स तो ठीक है माइनस का थ्री आ जाएगा, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस पर सीधा सीधा माइनस लगा रहा है तो माइनस फोर, प्लस प्लस करेंगे तो ठीक है हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो माइनस टू आ जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो फोर आ जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो सेवन आ जाएगा। तो सिंपली आप देख सकते हैं अगर मैं इसकी एक्सपेंडिंग भी करूं तो ये वाला प्लस होता है, ये माइनस तो पहले वाला आपको ऐसे ही पता है, अगर हम अप्लाई भी करें तो पहले वाला प्लस में ही आएगा। तो आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे करूँ तो वन आ जाएगा, आप सिंपली इसकी बाकी वैल्यू इसको लिख लें, ये वाली रो और ये कॉलम छोड़ देना है, प्लस वन माइनस थ्री और माइनस टू, वन माइनस थ्री और फोर, माइनस फोर और माइनस थ्री और सेवन। सिंपली आप इसको भी जीरो कर सकते हो, जैसे कि इसको इसमें से माइनस करके इसको इसमें से ठीक है प्लस करके, तो अगर आप वो करना चाहते हो तो मैं वो करूँ यहाँ पे कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे करूँ इसको जीरो करना चाहता हूँ तो आर टू माइनस आर वन, इसको भी जीरो करना चाहता हूँ तो आर फोर थ्री माइनस प्लस फोर आर वन, ठीक है, तो ये वाली ऐसी आ जाएगी और ये वाली भी जीरो हो जाएगी और ये भी, इसमें हमने क्या किया था सीधा सीधा माइनस किया था तो ये प्लस हो जाएगा जीरो और इसको फोर माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है तो प्लस सिक्स हो जाएगा, ठीक है ऐसे यहाँ पर जीरो हो गया और माइनस थ्री और उधर से माइनस थ्री आएगा, यानी ये मल्टीप्लाई होगा फोर से तो ट्वेल्व आ जाएगा, माइनस थ्री और माइनस ट्वेल्व माइनस फिफ्टीन हो जाएगा, ऐसे लास्ट वाला किया तो सेवन माइनस एट, ठीक है सेवन माइनस एट हो जाएगा तो माइनस का वन आ जाएगा। तो सिंपली देख सकते हैं ये जीरो हो गया, तो आपको पता है वैल्यू यहाँ पे कौन सी आएगी, ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है ये देखो जीरो माइनस इंटू माइनस फिफ्टीन को सिक्स से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है तो ठीक है यहाँ पे तो बाहर हमारे पास क्या है वन ही है, तो आप यूज लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना चाहते हो ना लिखो, तो उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा आंसर ये प्लस में हो जाएगा और नहीं, तो आप देख सकते हैं नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है तो अगर नॉट इक्वल टू जीरो आया तो इसलिए हमारा ये क्या है सिंगुलर नॉन सिंगुलर है। तो सिंपली ऐसे ही आपने बाकी भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेनी है, कोई भी इसी तरह का सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपने ऐसे उसको बस उसका डिटरमिनेंट जो है आपने वो जीरो करने की और चेक करना है कि वो सिंगुलर होता है कि नहीं होता। तो ये थी आपकी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट्स और शेयर जरूर करें, इसके अलावा बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो तब तक के लिए सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।